इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोला जाए? आखिर कब तक हम इंग्लिश में नहीं बोलने की कसम खा के रहते? इंग्लिश में बात करना आसान कैसे हो सकता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर बैठे आप इंग्लिश को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक दिन ऐसा आएगी जिस दिन आप डेली डेली इंग्लिश में बात करोगे। जब भी आप कन्वर्सेशन करोगे किसी के साथ, आप इंग्लिश में ही बोलना चालू कर दोगे। और एक दिन जरूर वो दिन आएगी जब आप बोलिएगा कि अंग्रेजी बोलना अब हुआ बहुत आसान। नाउ द थिंग इज दैट फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स इट हैज बीन अ कॉमन प्रॉब्लम टू मी फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंटली दे आर आस्किंग मी द क्वेश्चन दैट सर एक्चुअली वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एनवायरमेंट टू स्पीक इन इंग्लिश। My dear friends, just tell me one thing. How could you listen to the songs of your favorite singer? आप अपना पसंदीदा सिंगर का गाने कैसे सुनते हैं? उनको गाना कैसे याद रखते हैं आप? Only one technique, and that is known as repeating or practicing daily. आप बार बार सुनते हो उस गाने को, धुन जो आपको पसंद आते हैं उसको बार बार आप रिपीट करते हो आपके मन में. Right? The same thing is going to be continued while you are speaking in English. आप एक sentence जब भी एक sentence बोलोगे उसको बार बार repeat कीजिए, थोड़ा pause दीजिए फिर repeat कीजिए. देखो, this technique is known as the technique of imitation. आप कोई भी चीज को देखते हो, उसके बाद उसको सुनते हो और उसके बाद बोलने की प्रयास करते हो. The same process is getting repeated number of times. अगर ऐसे आप कर लिए तो घर बैठे आप आराम से इंग्लिश बोलना शुरू कर दिए. एनवायरमेंट कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट एंड ऑल अबाउट हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन डेली बेसिस. इट्स नॉट अ वन डे गेम, ये डेली डेली प्रैक्टिस की बात होती है जहां पे आपको इंग्लिश में एक सेंटेंस को बार बार रिपीट करना होगा. राइट, सो टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू अ फ्यू सेंटेंसेस व्हिच वी फ्रीक्वेंटली यूज इन अवर डेली लाइफ. This is Nilanjan from Simej Group of Institution. Once again, दोस्तों आपके सामने मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाजिर हूँ और आज का इस वीडियो का थीम है टू फॉलो द टेक्निक ऑफ रिपीटेशन ऑन डेली बेसिस. यू आर सपोज टू रिपीट डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेज डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन एंड वन डे डेफिनेटली यू विल बी फीलिंग एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट कि इंग्लिश में बोलना अब हम शुरू कर दिए हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेसन. Actually, what I'm going to do, I will create a certain kind of situations. और ये situation के आधार पे हम लोग किस type का sentence को use करेंगे, that I will let you know. Right? The first sentence is, कृपया यहाँ ध्यान दें. अगर अक्सर हम लोग daily life में ऐसा कोई कभी कभी मौका आता है, अक्सर आता है इनफैक्ट, कि कृपया यहाँ ध्यान दें, मतलब आप किसी का अटेंशन को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी को बोल रहे हो कृपया यहाँ ध्यान दें, जो काम यहाँ हो रहा है उसमें फोकस करो. सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, इंग्लिश हिंदी में तो आप आसानी से बोल लेते हो, बट व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स दैट यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, वहां पे आप पीछे क्यों हटते हो? देखो, इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, प्लीज फोकस हियर, प्लीज फोकस हियर. फोकस का मतलब ही होता है किसी चीज में ध्यान देना, यू नो इट वेरी वेल. लेकिन जब सेंटेंस यूज करने की बात आती है वहां पे आप पीछे रह जाते हो. So from today, in fact, from now onwards, you were supposed to say that, please focus here, right? Next sentence, मैं उस समय उपलब्ध नहीं था. मान लीजिए कोई ऐसा situation है, there was certain kind of situation, an incident took place over there, and actually you were not present at that time on that particular spot. उस समय आप उपलब्ध नहीं थे. तो उस समय आपको अगर कोई कुछ पूछ रहे हैं उस incident regarding, आप क्या बोलते हो? Straight forward आप हिंदी में यही बोलते हो ना कि मैं उस समय उपलब्ध नहीं था. तो better you should say it in English. और कैसे बोलोगे? Very simple, I was not available that time. I was not available that time. Available मतलब आपका उपलब्धि. आप उपलब्ध नहीं हो. Was not available means उपलब्ध नहीं हो. Very simple, isn't it? So interesting it is. Number of times you are going to practice it and it will be very easily said by you. I am quite sure about it. Next one. उसके पास पैसा नहीं बचा है. Now, if there is a situation जहाँ पे ये पता चल रहा है, you are requesting your friend to spend some money on certain thing.
पर एट द टाइम आपके पास ये उनके उनका पॉकेट को देखते हुए आपको पता चल गया कि उनके पास अभी पैसा कुछ नहीं बचा हुआ है, मतलब एवरीथिंग ही हैड ही हैड ऑलवेज स्पेंट दैट। तो उस समय में क्या बोलेंगे हम लोग, शी इज लेफ्ट विथ नो मनी, उनके पास कोई पैसा नहीं बचा हुआ है, राइट? शी इज लेफ्ट विथ नो मनी, मनी इज अनकाउंटेबल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग नो मनी, राइट? सो ये बहुत इजी सेंटेंस है, आसानी से आप बोल सकते हो, लेकिन कभी आप प्रयास ही नहीं करते हो। सो नाउ ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू रिपीट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस दैट ही और शी इज लेफ्ट विथ नो मनी, उनके पास कोई पैसा बचा नहीं हुआ है, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस चलिए हम लोग मूव करते हैं, जान लेते हैं क्या है। मुझे लगता है मुझे अब चले जाना चाहिए। नाउ देर वॉज अ डिस्कशन विच वॉज गोइंग ऑन अमंग फ्यू फ्रेंड्स, राइट? कुछ लोगों के बीच में कुछ डिस्कशन चल रहा था, तो उस समय आपको अपने आप महसूस हुआ कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि आई डोंट नीड टू डू एनी काइंड ऑफ रोल टू प्ले ओवर देयर, मेरा कोई रोल नहीं है वहां पे प्ले करने के लिए, तो मेरे लिए बेहतर होगा कि हम वहां से चले जाए। तो हम जब इंग्लिश में बोलते हैं मुझे लगता है कि मुझे अब चले जाना चाहिए, इसको अब इंग्लिश में कैसे करें? वेरी सिंपल, आप यू शुड से लाइक दैट दैट आई थिंक आई मस्ट लीव नाउ। आई थिंक मतलब मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ, आई मस्ट लीव नाउ, लीव मतलब चले जाना, राइट? वेरी इजी, आई हैव ऑलरेडी यूज्ड अ वेरी सिंपल वर्ड्स, जो वर्ड आपको कभी तकलीफ नहीं देगा, जो वर्ड अक्सर आप बोला करते हो, बस उसको अरेंज करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है और सेंटेंस को फट से बोल देना है, यूं ही। आई थिंक आई मस्ट लीव नाउ, इजंट इट सो इजी? यस ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी। आप अक्सर अगर इफ यू ट्राई, लुक माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ प्रोवर्ब दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आप अगर चाहो तो आप बोल सकते हो, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, आई एम सेइंग दैट रिपीटेडली, राइट? सो मुझे लगता है मुझे अब चले जाना चाहिए, वेरी सिंपल हम इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं, आई थिंक आई मस्ट लीव नाउ। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जान लेते हैं क्या है। वही मेरा वास्तविक स्वरूप है, वही मेरा वास्तविक यही सॉरी यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, इसका मतलब क्या है? मतलब एक्चुअली समबडी वाज आस्किंग अ फ्यू क्वेश्चंस टू यू और वहां पे आप जैसे रिएक्ट कर रहे थे वो थोड़ा फेक लग रहा था, वो थोड़ा लग रहा था इमेजिनेटिव काइंड ऑफ थिंग्स, जो एक्चुअली आपका रियलिटी को हिंट नहीं कर रहा था, आपका रियलिटी को दर्शा नहीं रहा था। तो उस समय आप क्या बोलेंगे, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं आप यू आर हैविंग द इल्यूजन, जो आप मुझे देख रहे हो, जैसे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, उस समय आप क्या बोलोगे? बहुत सिंपल एक सेंटेंस है, दिस इज माई रियल नेचर, यू आर सपोज टू से लाइक दैट दिस इज माई रियल नेचर, कि द वे यू आर सीइंग मी, द वे यू परसीव मी, द वे यू आर ट्रीटिंग मी, अब देखो जैसे मेरा रूप आपके सामने दिख रहा है, दैट इज माई रियलिटी ऑल अबाउट। सो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दिस इज माई रियल नेचर। सो आई हैव शेयर फाइव डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेज विद यू राइट नाउ एंड यू हैव अंडरस्टूड दैट कितना आसानी से हम लोग अगर चाहे इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट यू आर सपोज टू डू, इट्स माय रिक्वेस्ट दैट यू शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। घर बैठे आराम से इस सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं। फ्रेंड्स डोंट वेट फॉर द एनवायरनमेंट, डोंट ब्लेम द एनवायरनमेंट, एक्चुअली यू स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दैट एंड इन योर डेली लाइफ व्हेनेवर यू गेट अपॉर्चुनिटी, आप तुरंत इसको इंग्लिश में बोलने की प्रयास करें। और कुछ सेंटेंस आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, उसको देखते हुए आपको लगेगा अरे यार इतना बहुत आसान है, आसानी से हम इंग्लिश बोल सकते हैं, इतना दिन हम बोल क्यों नहीं रहे थे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस क्या है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग। हम लोग अपना डेली लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसा कुछ व्यवहार किए हैं, ऐसा कुछ बिहेव कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिए जिससे ये प्रतीत होती है कि आप जो है वो झूठ बोल रहे हैं। उस समय हम लोग क्या बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर कमेंट क्या कर सकते हैं कि तुम झूठे निकले, कि व्हाट एवर हैज बीन सेड बाय यू दैट वाज एब्सोल्युटली फॉल्स, यू शुड हैव प्रेजेंटेड द ट्रू स्टेटमेंट, राइट? तो तुम झूठे निकले, इसको तो आसानी से हिंदी में हम लोग बोल लेते हैं, लेकिन जब इसको इंग्लिश में बोलने की बारी आती है तो वहां पे हम पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्यों?
देखिए अभी इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग कैसे कितना आसानी से बोल सकते हैं, यू टर्न आउट टू बी अ लायर। यू टर्न अ लायर का मतलब तो आपको पता ही है, यू कैन नॉट से दैट्स अ लायर का मतलब मुझे नहीं पता है, ऑफ कोर्स यू डू नो दैट, बट द थिंग इज दैट यू यू डोंट नो हाउ टू अरेंज द सेंटेंस, हाउ टू अरेंज द वर्ड्स। इन फैक्ट यू टर्न आउट टू बी अ लायर इसका मतलब तुम झूठे निकले, राइट? वेरी सिंपल, आप इसको आज के बाद कभी तुम झूठे निकले मत बोलिएगा अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए तो। व्हाट यू आर सपोज टू यूज, यू आर सपोज टू यूज You turned out to be a liar, right? Next, now let us move to the next sentence. क्या है? पहले हम लोग जान लेते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपना अंग्रेजी सुधारें। ये तो अक्सर हम लोग एक दूसरे को बोल सकते हैं, because most of the people are suffering from the disease, and that is the greatest disease, you know, my dear friends, and that is speaking in English. आप इंग्लिश में आपको सुधार लाना चाहिए, इंग्लिश में आपको और ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए बोलने के लिए, लिखने के लिए। तो कभी भी हम दूसरे के लिए जब सजेस्ट करते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप अपना अंग्रेजी सुधारे, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, वेरी इजी, वेरी इजी। आई हैव सेलेक्टेड वेरी सिंपल वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। आप यहाँ क्या बोल सकते हो? आई वॉन्ट यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग मूव करते हैं और जान लेते हैं ये क्या है, आप ठीक से व्यवहार क्यों नहीं करते। सपोज दैट यू आर इंटरेक्टिंग विद सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन एंड ही इज मिसबिहेविंग विद यू, वो प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहे हैं आपके साथ, प्रॉपरली वो व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उस केस में आप क्या बोलते हो? अक्सर हम लोग यही बोलते हैं ना कि आप ठीक से व्यवहार क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं करते, यू आर आस्किंग द रीजन। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? व्हाई डोंट यू बिहेव प्रॉपरली? व्हाई? इसलिए क्योंकि क्यों का तो वर्ड इंग्लिश में वही बोला जाता है, यू ऑल यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट, बट एक्चुअली आपको ये सेंटेंस अरेंज करना, वर्ड्स को अरेंज करना नहीं आ रहा है। तो आज के बाद अभी आप जान लीजिए, इसको बहुत आसानी से हम लोग बोल सकते हैं, व्हाई डोंट यू बिहेव प्रॉपरली, राइट? वेरी सिंपल, इजंट इट? यू कैन प्रैक्टिस, घर बैठे आराम से प्रैक्टिस कीजिए, आप ये सारा सेंटेंस आपके जुबान पे आ जाएगी और उस दिन आप बेहिचक बेधड़क इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। Now, my dear friend, there are certain kind of situations in our life when your friends or any person you are interacting with, हो सकता है कोई ऐसा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो उसमें समाज में acceptable ना हो, जो उस समय उनके लिए प्रयोग करना उचित नहीं है। तो आप उनके लिए क्या बोलते हो? आप बहुत सिंपली बोलते हो, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। It's your opinion, your statement. तो इसको इंग्लिश में कैसे बोले? You should not use abusive language. You should not use abusive language. इस सेंटेंस को बोलने के लिए आपको कोई ऐसा बहुत ज्यादा टफ फॉर्मूला की आश्रय लेना, उसका हेल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू आर ओनली यूजिंग अ फ्यू वर्ड्स और उसमें एक अब्यूसिव लैंग्वेज, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, इट्स अ वेरी कॉमन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच यू ऑलरेडी नो। एक्चुअली द थिंग इज दैट यू नेवर यूज दैट। नाउ नाउ ऑन वर्ड्स यू आर गोइंग टू यूज इट, यू शुड नॉट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज। बहुत आसान है, इंग्लिश को कितना आसानी से हम लोग बोल सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इसका ही आइडिया देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। और स्टूडेंट्स, यू जस्ट रिमेंबर, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं मुझको, और आपको एकदम ध्यान में रखना चाहिए कि ये सारा सेंटेंसेस जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, ये सेंटेंसेस घर बैठे आराम से आप प्रैक्टिस करो। जब सिचुएशन आता है यू शुड इंटरेक्ट विद द पर्सन, और इसी लिहाज में बात करो, इस इंग्लिश सेंटेंस के उपयोग करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, सो यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, डेली डेली बार बार पॉज देते हुए प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए इंग्लिश आपका फिंगर टिप्स में आ जाएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग जान लेते हैं, वो पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है, वो पूरे दिन टीवी में घुसे रहता है। इसका मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिनका कोई काम धाम नहीं है, दिन भर हर काम को छोड़ के वो टीवी में घुसे रहते हैं। तो उसके बारे में जब हम हिंदी में बोलते हैं, बड़ी आसानी से बोलते हैं, वो पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? थोड़ा सोचना पड़ रहा है ना, बिल्कुल मत सोचिए। अभी देखिए कितना आसानी से सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ही इज एंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे, मतलब दिन भर, पूरा दिन भर, राइट? और घुसे रहता है मतलब इसका घुसा रहना के इंग्लिश क्या होता है? एंगेज रहना, अपने आप को एंगेज करना, बहुत आसान वर्ड है। अब देखो डेली लाइफ में आप एंगेज शब्द का उपयोग तो करते हो, लेकिन इसी को अगर थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाए, थोड़ा प्रॉपरली अरेंज कर दिया जाए, आपका एक सेंटेंस बन जाएगा उसमें, है ना? वंडरफुल, बिल्कुल ये इंटरेस्टिंग थिंग है। वो पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोल लेते हैं कैसे? ही इज एंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे।
है ना, बहुत आसान, बिल्कुल आसान है। चलिए ये और एक 5 सेंटेंस का सेट आपके सामने मैं हाजिर कर दिए और पेश कर दिए, और इसको आप आराम से डेली लाइफ में डेली बेसिस पे यूज करते रहो, ताकि ये सारे सेंटेंस आपका फिंगर टिप्स में आ जाए, और कभी भी ऐसा कोई मौका आए जहां इस टाइप का सेंटेंस को उपयोग करना पड़े, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कॉन्फिडेंटली यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। चलिए और 5 सेंटेंस आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा जस्ट वेट एंड वॉच। आज का ये वीडियो आपके डेफिनेटली काम आएंगे, ये तो मेरा वादा है आपको। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारा सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, और ये सेंटेंसेस हम लोग डेली लाइफ में अक्सर यूज करते हैं। बिलीव मी, इफ यू आर यूजिंग ऑल दीज सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिसिंग, यू इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑल दीज सेंटेंसेस, डेफिनेटली यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट? तो चलिए जान लेते हैं और ऐसा कौन 5 सेंटेंसेस है जो कहीं ना कहीं हम लोगों का काम आ सकता है अपना डेली लाइफ में। नाउ दिस सेंटेंस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल, इफ वी पर्टिकुलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स। अक्सर हम लोग क्लास लेते हैं, क्लासरूम पे आप देखते ही हो कुछ स्टूडेंट लेट से आते हैं। जब हम लोग पूछते हैं, भाई तुम स्टूडेंट तुम क्यों लेट हो गए हो, आप तुरंत मुझे कैसे जवाब देते हो? सर ट्रैफिक जाम था, या सर थोड़ा सा लेट हो गए हम। इसको इंग्लिश में बोलने में कितना अच्छा लगेगा, थोड़ा प्रोफेशनल आउटलुक आएगा, है ना? आप थोड़ा प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन कीजिए, थोड़ा इंग्लिश बोलने की प्रयास कीजिए, देखिए अपने आप एक डेवलपमेंट होता है, राइट? तो कैसे बोलेंगे, ये सबसे बड़ा दिक्कत है ना। चलिए चुटकियों में ये दिक्कत को हम समाधान कर देते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी देर हो गई है, इसको अगर आप टीचर को बोल रहे हैं तो कैसे बोलोगे? सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, आई गॉट अ लिटिल लेट। देखो बहुत सिंपल, सॉरी वर्ड तो अक्सर दिन में हम लोग कितना बार बोलते हैं जब कोई गलत काम करते हैं। अ लिटिल लेट इसलिए क्योंकि लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, लेट हो गए, देरी हो गए, ये सारे वर्ड का मीनिंग आपको पता है, लेकिन आप उसको अरेंज नहीं कर पाते हो। तो ये है आपका सेंटेंस जो अक्सर आप लोग डेली लाइफ में टीचर को बोला करते हो, लेकिन आपसे इंग्लिश में आप बोलिएगा, पक्का? प्रॉमिस मी, राइट? सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, वेरी सिंपल। चलिए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। इन अवर डेली लाइफ वेरी ऑफन देर आर सो मेनी पीपल हु आस्क यू दैट हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपका तबीयत ठीक है ना, आपका हाल चाल क्या है? तो आप कैसे आंसर देते हो? भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर और मैं सुरक्षित हूँ। हिंदी में तो कितना आसानी से आप बोलते हो, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर थोड़ा इंग्लिश में इसको बोले आप सोचो तो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इट विल बी। आप इंग्लिश में जब बात करते हो ना थोड़ा इम्पैक्टफुल लगता है, राइट? इसको इंग्लिश में कैसे बोले? बाई गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ, बाई गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ। देखो कितना प्रोफेशनलिज्म लग रहा है, कितना अच्छा सेंटेंस लग रहा है, कितना इम्पैक्टफुल सेंटेंस लग रहा है, और इतना आसानी से सेंटेंस को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो आज के बाद कभी भी आपको कोई पूछे आपका हाल चाल क्या है, आप इस टाइप का जवाब दीजिए, बाई गॉड्स ग्रेस आई एम सेफ। सामने वाले जो आपको ये सवाल किया है वो भी सोचेगा वाओ कितना अच्छा से ये मुझे जवाब दिया, वो भी कोशिश करेगा इस टाइप का सेंटेंस का आंसर ऐसे ही देने का, राइट? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग जान लेते हैं क्या है। मौसम अचानक खराब हो गया है, मौसम अचानक खराब हो गया है। लुक माय डियर फ्रेंड्स, द वेदर यू कैनॉट से, यू कैनॉट प्रिडिक्ट अबाउट वेदर, यू कैनॉट फोरकास्ट वेदर। कभी भी ये पलट सकता है, कभी भी ये बदलाव हो सकता है। अभी धूप निकल रही है तो कुछ अगला पल में हो सकता है बारिश भी शुरू हो जाए, मौसम बहुत खराब हो जाता है अचानक से, ये अक्सर होता है। लेकिन इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? द वेदर हैज सडनली टर्न बैड, टर्न मतलब बदल गया, ठीक है? मॉर्निंग में वेदर जो था हो सकता है आफ्टरनून में बदल गया, तो उस केस में आप क्या बोलोगे? द वेदर हैज सडनली टर्न, बहुत सिंपल है। इसको बोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोई बॉम्बास्टिक वर्ड्स का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। यू शुड नॉट यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स विच आर रियली टफ, ओनली विद यू विद द यूसेज ऑफ सिंपल वर्ड्स यू कैन प्रेजेंट दिस सेंटेंस, द वेदर हैज सडनली टर्न बैक, राइट? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। दिन भर मोबाइल पर मत घुसा रहा करो। लुक द थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द इन मॉडर्न जनरेशन मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट फॉर देयर किड्स और फॉर देयर सन एंड डॉटर्स, राइट? क्या है चक्कर, आजकल का बच्चा ज्यादा मोबाइल फोन में घुसे रहते हैं, तो उसको कैसे हम लोग बोलेंगे? डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे, डोंट जस्ट बी ऑन द मोबाइल फॉर द होल डे, बहुत सिंपल। आप मोबाइल में मत घुसा रहा करो, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा माथा पेची करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सिंपल सेंटेंस के जरिए वी कैन इजिली एक्सप्रेस दैट डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे, इजंट इट सो इजी? या ऑफ कोर्स आप कभी भी बोल नहीं सकते हो कि सर मुझे बहुत टफ वर्ड का इस्तेमाल आप करके दिखा रहे हो, बिल्कुल नहीं। आई हैव ट्राइड टू यूज द सिंपल वर्ड्स सो दैट यू कैन एक्सप्रेस इन अ वेरी सिंपल वे, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस, आज का लास्ट सेंटेंस आपसे मैं
मैं शेयर करने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही असरदार हो सकता है। आप इस वक्त कहां पर हो? कभी भी ऐसा मौका होता है कि दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, टू पर्सन्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड द थर्ड पर्सन इज रिक्वेस्ट टू बी प्रेजेंट ओवर हियर। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट हम लोग फोन करके पूछते हैं, आप इस वक्त कहां पर हो? आपका यहाँ होना अनिवार्य होना चाहिए था, आपको यहाँ बिल्कुल होना चाहिए था, तो आप इस वक्त कहां पर हो? एक्चुअली इफ दिस इज द क्वेश्चन, तो आप कैसे इसका इंग्लिश में पूछोगे? वेयर आर यू एट द मोमेंट? एट द मोमेंट मतलब इस वक्त, ये तो आप जानते हो मोमेंट मतलब पल, उस वक्त की बात कर रहे हैं, तो आप इस वक्त कहां पर हो? वेयर आर यू एट द मोमेंट? वेरी सिंपल, लुक द थिंग इज दैट वंस अगेन आई से दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश, नोबडी कैन स्टॉप यू, बिलीव मी। लेकिन यही है इंटरेस्ट लेवल, यही है प्रैक्टिस। आपको रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, बार बार यू कीप ऑन रिपीटिंग दीज सेंटेंसेस, आपको प्रैक्टिस करना होगा नंबर ऑफ टाइम्स। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप इसको प्रूव करने की आवश्यकता है। दोस्तों आप कितना दिन तक आप बोलते रहोगे इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं? कभी तो इसका अंत होना चाहिए ना। नाउ दिस इज द एंड ऑफ all your worries and tension. From now onwards, you are going to speak in English all the sentences confidently. All the best wishes to you for speaking in English in the coming times from my side. आज का इस वीडियो आपको अगर पसंद आया, आप डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, और आपका सजेशन भी यू आर मोस्ट वेलकम। आपको जो भी डिमांड है, देखो दोस्तों आपका डिमांड को देखते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ, और जो भी आपको फुलफिल करे, आपका डिमांड को फुलफिल करे, आपके लिए बेनिफिशियल हो, कमिंग टाइम्स में ऐसा और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होगा। ठीक है, तब तक के लिए आपका एक काम है, ओनली वन बुक आई एम गिविंग टू यू एंड दैट इज Keep on practicing and be confident to speak in English. Right? तो इसको याद रखिएगा, बार बार practice करने की आवश्यकता है. What I can say to all of you, that is thank you for listening patiently and just giving importance to these content of the video. आप याद रखोगे जो भी sentences हम लोग use किए हैं, I can give you guarantee that we are going to use all these sentences in our daily life. Wish you all the best for a great career and for the coming times. I'm quite hopeful that all of you will be speaking in English confidently. That's all. Thank you so much.